जब होगी साधना पूर्ण पारणा होगा महागुरुवर का। बहुत अधिक तेज से चमकेगा कण कण समेद शिखर का। स्वर्ण तेज पुंज की ये आभा फिर स्वर्ण मंदिर में होगी। गुरुवर कर कमल से महाप्रतिष्ठा पार्श्व प्रभु की होगी, पार्श्व प्रभु की होगी। महातपस्वी महासाधक साधना महोदधि अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की 557 दिवसीय सिंह निष्क्रीड़ित साधना पूर्ण होने पर 28 जनवरी 2023 को होगा गुरुवर का महापारणा और फिर 29 जनवरी से 3 फरवरी के मध्य नव निर्मित स्वर्ण मंदिर में होने वाले महापंचकल्याणक महामहोत्सव में अपनी महासाधना और महातप के उपरांत गुरुवर करेंगे प्रथम महाप्रतिष्ठा। तो फिर आप भी 28 जनवरी से 3 फरवरी के मध्य तीर्थराज श्री सम्मेत शिखरजी सिद्ध क्षेत्र मधुबन में आयोजित होने वाले नव निर्मित स्वर्ण मंदिर पंचकल्याणक महामहोत्सव में पाश प्रभु की अतिशिकारी प्रतिमा की महाप्रतिष्ठा के बने साक्षी और करें महान पुण्य का संचय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान सौभाग्य मल जी, श्रीमती नीलम राजेंद्र भाई कटारिया, श्रीमती रमिला, श्री आरसी गांधी, श्रीमती सुनीता, श्री ऋषभ भाई जैन, श्रीमती टीला, श्री सुनील भाई मेहता, श्रीमती कल्पना, श्री सुधीर भाई पाटनी, श्रीमती मीना, श्री रोशन भाई संघवी, श्रीमती विमला, श्री राजेश भाई शाह, श्रीमती नीतू, श्री अनूप भाई शाह, श्रीमती प्रवीणा, श्री अशोक भाई शाह, श्रीमती शैलजा, श्री डीके जैन, श्रीमती सुमित्रा, श्री बाबू भाई जैन, श्रीमती मीनू, श्री राजेश भाई जैन, श्रीमती सीमा, श्री विजय भाई जेतावत, श्रीमती सरिता, श्री दिलीप भाई पांड्या, श्रीमान अशोक भाई, अंदेश भाई, श्रीमान राधे श्याम जी सरावगी परिवार। जय जिनेंद्र। दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आपको बता दूं कि परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से अनंतानंत सिद्ध परमात्माओं की पावन भूमि शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेत शिखर जी सिद्ध क्षेत्र पर मौन व्रत साधना रत परम पूज्य अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज ससंग के सानिध्य में 27 जनवरी से 3 फरवरी 2023 तक होने जा रहा है अद्भुत अकल्पनीय अविस्मरणीय और अलौकिक महामहोत्सव। महोत्सव में सहभागिता करने के लिए देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व तैयारियों में जुटा हुआ है। सभी को प्रतीक्षा उन आनंदित पलों की जब होंगे गुरुदेव के दिव्य दर्शन और प्रफुल्लित होगा जग सारा। इसी परिप्रेक्ष्य में आज देखते हैं गुजरात राज्य के प्रसिद्ध शहर अहमदाबाद स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर सैटेलाइट बाजार के भक्तिमय दृश्य और वहां के लोगों का उत्साह। साथ ही कार्यक्रम के माध्यम से पूरे विश्व को देते हैं महोदधि की महासाधना महापारणा महाप्रतिष्ठा महामहोत्सव का संदेश। पावन तीर्थ श्री सम्मेत शिखर जी, जिसका नाम सुनते ही रोम रोम हो जाता है आह्लादित एवं प्रसन्नचित, जिस धरा पर है ऊर्जा का भंडार, जहाँ की वंदना करने से मन का मैल धुल जाता हो और जहाँ से प्राप्त किया है करोड़ों मुनिराजों ने निर्वाण, ऐसी ही पावन एवं पवित्र भूमि शिखर जी की स्वर्ण भद्रकूट की गुफा में विराजमान परम पूज्य अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज कर रहे हैं इस सदी की सबसे जटिलतम महासाधना। 557 दिन की सह निष्क्रीड़ित उत्कृष्ट तप साधना करने वाले पूज्य गुरुदेव एकाकी मौन साधना में लीन है। गुरुदेव की साधना से देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व प्रभावित है। सभी को बेसब्री से इंतजार है उस पावन घड़ी का, जब होगा महासाधना महापारणा महाप्रतिष्ठा महामहोत्सव। कैसी होगी गुरुदेव की महापारणा और अखंड मौन से मुखारित दिव्य देशना से कौन कौन होगा प्रभावित, किसको मिलेगा परम सौभाग्य, इन सभी प्रश्नों को लेकर अंतर्मना भक्त महामहोत्सव की तैयारियों में लगे हुए हैं। गुरुदेव की साधना निर्विघ्न हो ऐसी मंगल भावना के साथ अनुमोदना कर रहे हैं। गुजरात के प्रसिद्ध शहर अहमदाबाद के भक्तों के अंदर भी पूज्य गुरुदेव के प्रति काफी आस्था और श्रद्धा साफ नजर आ रही है। श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर सैटेलाइट बाजार में 31 अगस्त से 9 सितंबर 2022 के मध्य मनाए गए दशलक्ष्म महापर्व के तृतीय एवं चतुर्थ दिन
भक्तों ने उत्तम आर्जव धर्म और उत्तम शौच धर्म का प्रतिपालन कर प्रभु भक्ति का आनंद उठाया। तृतीय एवं चतुर्थ दिन की शुरुआत में सर्वप्रथम भक्तों ने श्री जी ऋषभ जैन द्वारा उच्चारित मंत्रों के साथ प्रभु का अभिषेक एवं शांति धारा कर मंगल कामना की। प्रभु अभिषेक करने के बाद सभी श्रद्धालुओं ने ओमकार ध्वनि के साथ प्रभु का स्मरण करते हुए प्रतिक्रमण किया। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिदानंद नय रूपाय जिनाय परमात्मने परमात्मा प्रकाशाय नित्यम सिद्धात्मने नमः। उन श्री जिनेन्द्र परमात्मा सिद्धात्मा को नित नमस्कार है जो चिदानंद रूप है, परमात्मा स्वरूप है और परमात्मा तत्व को प्रकाशित करने वाले हैं। पांच मिथ्यात, 12 अवरत, 15 योग, 25 कसाय, इस प्रकार 57 आश्रव का पाप लगा हो तो मेरा वह पाप तीन दंड, तीन सल, तीन गारव, तीन मूर्ता, चार आत्र ध्यान, चार रोद्र ध्यान, चार विकदा, इन सब का पाप लगा हो तो मेरा वह पाप। अहमदाबाद का सैटेलाइट मंदिर विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें प्रतिदिन अभिषेक के बाद प्रतिक्रमण तो होता ही है, साथ ही भक्तों द्वारा भारत के सभी सिद्ध क्षेत्र एवं अतिशय क्षेत्र का स्मरण कर उनका अर्घ्य समर्पित किया जाता है। ओम रेम तिजारा के श्री चंदा प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम रेम कुंडलपुर के बड़े बाबा जिनेन्द्राय नमः। ओम रेम वरम श्री संभवनाथ जिनेन्द्राय नमः। इसी पावन अवसर पर श्री ऋषभ जैन जी ने भक्तों को महासाधना, महापारणा, महाप्रतिष्ठा, महामहोत्सव की जानकारी दी। सबसे बड़े महान अगर कोई संत हैं अभी इस धरती पर तो वो हैं आचार्य विद्यासागर जी महाराज, जिनकी चर्या, जिनका अतिशय अकल्पनीय है और उन्हीं के आशीर्वाद से प्रवचन में बहुत अच्छा बोला है कि ऐसी साधना शक्य नहीं है जो वो कर रहे हैं। शरीर एकदम पतला हो गया है और ऐसी साधना जो कर रहे हैं ये सी निष्कृत व्रत की साधना शांतिनाथ महाराज जी ने और महावीर भगवान के समय पर होती थी। कार्यक्रमों के मध्य में इंद्र इंद्राणियों का सौभाग्य प्राप्त करने वाले श्रावक श्रेष्ठियों ने महामहोत्सव की लकी ड्रॉ की टिकट का विमोचन किया। एक तो उनके पास जाने का और उनके पास रहने का और सब खाने पीने का इंजाम भी सब हो ही जाएगा, वहाँ पर पूरा इंजाम है तो वो कोई तकलीफ नहीं है, तो सबको इसमें पार्टिसिपेट लेना चाहिए। मेरा ये एक है, किसी न किसी का भाग्य तो चमकेगा ही चमकेगा जरूर। अगर किसी श्रावक के पास आर्थिक कोई परिस्थिति नहीं है, सुनना ये उन्होंने बताया है, तो उसको भी पंच कल्याणक में जोड़ना है, वो अपनी बात रखे, कमेटी वाले अगर उसको बोलेंगे तो किसी को मालूम नहीं पड़ेगा और उनको बिना किसी नाम लिए उनको उसमें सम्मिलित किया जाएगा। शर्त इतनी है कि उनकी आर्थिक भावना होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। अंतर्मना गुरुदेव की महासाधना, महापारणा, महाप्रतिष्ठा, महामहोत्सव के प्रति श्री आरसी गांधी के साथ अनेक भक्तों ने अपने उद्गार व्यक्त करते हुए सभी को महामहोत्सव हेतु आमंत्रित किया। कोई अगर रह जाए तो भी हम ले जाएंगे। हमारे भाई श्री ऋषभ जी ने जो प्रतिष्ठा कराई वो बहुत ही ऐतिहासिक प्रतिष्ठा कराई थी इन्होंने, और इसी को देख करके मैं 5 दिन यहाँ आया था। ये बहुत बड़ी जवाबदारी ऋषभ भाई की है, मैं तो एक आश्चर्य करता हूँ। सब दूर एक साथ लग के ये काम करते हैं, इनके घर पे भी संबंध, शादी ब्याह भी है, इधर सैटेलाइट का मंदिर भी संभालते हैं, उधर 2 घंटे के नोटिस में सीधे शिखर जी पहुँच गए अभी 10-15 दिन पहले। सब काम छोड़ के हमारे शाम को यहाँ मीटिंग थी, लेकिन उनका फोन आया कि सुधीर भाई मेरे को अर्जेंट जाना पड़ेगा, शाम को मीटिंग आप करना। और ये जब मीटिंग चल रही थी इन्होंने ऑनलाइन हमसे बात की शिखर जी से सीधी। तो आप देखिए कितनी बड़ी शक्ति भगवान ने दी है इनको, और ये निश्चित रूप से जो समर्पण भगवान के साथ और मंदिरों के साथ ऋषभ भाई का है, हम हमेशा ये कामना करते हैं कि इनको तो भारत रत्न की समाज की तरफ से उपाधि मिले। मतलब सोच के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वो कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। उनको भगवान बहुत अलग शक्ति दे रहे हैं और अलग पावर है, उनकी तपस्या का फल है
और बहुत बढ़िया, भगवान की बहुत अलग मेहर है उनके ऊपर, और ऐसे वो अच्छे से उनके बाकी जो उपवास है वो अच्छे से वो अच्छे स्वस्थ रहें और अच्छे से करें, और एक जैन धर्म का अलग से तिरंगा मतलब वो करें कि ऐसा इतने बड़े तपस्वी समाज में हैं और मुनि महाराज है जो इतना त्याग और तपस्या कर रहे हैं। जैन समाज का हर व्यक्ति जुड़े ये देखते हुए जो उन कमेटी ने 1100 रुपये के कलश का कूपन निकाला है वो बहुत सौभाग्यशाली होगा जो कि 1100 रुपये दान में भी जाएगा, अपना पैसा सदुपयोग हो रहा है, और इसके साथ अगर ड्रॉ में कूपन से ड्रॉ में खुल गया तो वो व्यक्ति कितना भाग्यशाली होगा उसे कोई सोच नहीं सकता। इसके पश्चात सभी श्रद्धालुओं ने उत्तम आर्जक धर्म और उत्तम शौच धर्म का श्रद्धा भाव से मांगलिक पूजन किया, साथ ही साथ भजनों के माध्यम से प्रभु भक्ति का जमकर आनंद उठाया। यहाँ पर आचार्य श्री प्रशंसागर जी ने 64 उपवास की रिद्धि के बाद हमारे देरासर्स की प्रतिष्ठा करवाई थी, वो आज की दिन में भी बहुत चमत्कारिक है, और इनकी जो रिद्धि का प्रमाण है उस प्रमाण में बड़ी अच्छी तरह से सैटेलाइट के 450-500 परिवार अच्छी तरह से जी रहे हैं। मैं ऋषभ भाई सैटेलाइट मंदिर से आप सबको विनती करती हूँ कि प्रसन्न सागर जी के महापारणा में और पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में आप सब जैनी भाई श्रावक श्राविका पधारी है, आप सबका स्वागत है। ऋषभ भाई की तरफ से आपको कोई तकलीफ नहीं हो। पूजन के दौरान श्रद्धालुओं ने जयमाला करते हुए मंडल जी पर अर्घ्य समर्पित कर भक्ति की भावना भाई। ओम रेम श्रावण कृष्ण द्वितीयम गर्भ मंगल मंडिताय श्री मुनिश्वनाथ नंद्राय नमो नमः। अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निरपाम ते स्वाहा। ओम रेम वैशाख दशम तपो मंगल मंडिताय श्री मुनिश्वनाथ नंद्राय नमो नमः। अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निरपाम ते स्वाहा। इस सदी में आचार्य प्रसन्न सागर जी 557 दिन की सी निष्क्रिय व्रत जो कि भगवान महावीर के बाद, इस सदी में पहली बार कोई संत ऐसी कठिन तपस्या कर रहे हैं जो अखंड मौन और एकांतवास और 15-15 दिन के अंतराल में जिनका पारणा हो रहा है, तो ऐसे 496 उपवास और पूरे तपस्या 557 दिन की कर रहे हैं और सम्मेश शिखर के टोंक पे पिछले 6 महीने से विराजमान है, और वहीं पे वो तपस्या कर रहे हैं जहाँ पे वो बिल्कुल अखंड मौन में हैं। तो ऐसे महान संत का पारणा 28 जनवरी 2023 को सम्मेश शिखर में होने जा रहा है, और उस पारने के बाद ही एक महाप्रतिष्ठा होने को जा रही है आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी के सानिध्य में। तो सभी से निवेदन है कि इस तपस्या के पारने में सभी लाभ लेवें। महाराज जी का महापारने में सम्मिलित होने का सभी को निमंत्रण देती हूँ, सभी लोग आएं और इस महापारने में अपना मतलब सहभागिता दें। महाराज जी का ऐसा पारना हमने पहली बार ही देखेंगे। पूजन की सभी क्रियाएं करने के बाद संध्या काल को भक्तों ने सैटेलाइट के अतिशयकारी आदिनाथ भगवान के साथ मंदिर जी में विराजमान अन्य तीर्थंकरों की मंगल में आरती उतारी। परम पूज्य अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज के परम भक्त श्री ऋषभ जैन जी अपनी पूरी टीम के साथ अंतर्मना की महासाधना महापारणा महाप्रतिष्ठा महामहोत्सव को सफल बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। उनकी टीम द्वारा अहमदाबाद के अलावा सभी राज्यों में महामहोत्सव का संदेश पहुंचा दिया गया है।
जिससे सभी श्रावक जन इसके साक्षी बन भरपूर आनंद ले सकें। अहमदाबाद के श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर चौबीसी जैन मंदिर चांद लोडिया श्रद्धालुओं के लिए काफी आस्था का केंद्र है। प्रतिदिन श्रद्धालु प्रभु अभिषेक शांति धारा और पूजन कर मनोकामना पूर्ण करते हैं। चांद लोडिया मंदिर के भक्त भी महासाधना महापारणा महाप्रतिष्ठा महामहोत्सव को लेकर काफी उत्साहित है। सभी को वे पावन घड़ी की प्रतीक्षा है। जब यहाँ अहमदाबाद में थे और महाराज जी तो इतने उपास कर रहे हैं कि जो अपनी गिनती के बाहर है, और महाराज जी का चतुर्मास के अंदर अपन ने सहयोग भी दिया और यहाँ भी अपन ने उनके साथ में रहे हैं। अब शिखर सम्मेलन में भी अपन जाएंगे और अपन ने मूर्ति भी ली है। एक प्रसन्न सागर महाराज जी के निरंतर उपवास चल रहे हैं और हमारी सब लोगों की यही भावना है कि उनके उपवास निर्विघ्न संपूर्ण हों और कार्यक्रम उनका भी प्रसन्न अच्छी तरह से हो। शांति सागर महाराज जी, सन्मत सागर महाराज जी उपवास करते थे और अब हमारे वर्तमान काल में परम पूज आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज विराजमान है सम्मेलन शिखर पर। हम सभी महिलाएं यह निवेदन करते हैं महाराज जी से कि आपका जो व्रत चल रहा है वह अच्छी तरह से संपन्न हो। अहमदाबाद का जैन मिलन सोसाइटी का श्री 1008 पाशना दिगंबर जैन मंदिर वास्तव में प्रभु और भक्तों के मिलन को दर्शाता प्रतीत होता है। काले पाषाण से निर्मित भगवान पार्श्वनाथ की मनमोहक प्रतिमा भक्तों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। भक्तों ने एक ओर जहां दशलक्षण का पूजन कर अपने पुण्यों में वृद्धि की, तो वहीं दूसरी ओर पूज्य अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज के महासाधना की अनुमोदना की। साधना की बात चले और अंतर्मना प्रसन्न सागर जी की बात न हो, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ये जो तपस्या है इसके विषय में तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कोई ये नहीं सोच सकता कि 500-600 दिन तक कोई उपवास कर सकता है, कोई 6 घंटे बिना अन्न जल के रह जाए तो हाय हाय करने लग जाता है। अरे हमने सिर्फ 32 दिन की साधना की थी तो एक एक दिन बढ़ाते गए, पता नहीं कौन सा विघ्न आ जाए, कौन सी परिस्थिति उपस्थित हो जाए, इसलिए एक एक दिन बढ़ाओ। आचार्य प्रसन्न सागर महाराज जी के दर्शन करके ये 2 साल कोरोना में जो निकल गए ना, और अपन जो बच गए, बाकी जो चले गए बेचारे वो उनके नसीब से चले गए, अपन तो अपने पुण्य से बच गए, तो ऐसा लाभ द्वारा मिलेगा नहीं। श्री पाशनाथ मंदिर के अलावा महावीर कॉलोनी के मंदिर जी में विराजमान 24वें तीर्थंकर महावीर भगवान के दर्शन लोगों के लिए काफी फलदायक साबित होते हैं। सुबह शाम प्रभु के दर्शन मात्र से सभी दुख दूर हो जाते हैं और यही कारण है कि यहाँ के श्रद्धालु अभिषेक पूजन पाठ कर अपनी सभी कामना पूरी करते हैं। महावीर कॉलोनी के श्रद्धालु भी अंतर्मना के महामहोत्सव में जाने को काफी उत्साहित है। महोत्सव को लेकर श्रद्धालुओं ने अपने भाव कुछ यूं बयां किए। मैं वहां उस दिन उपस्थित था, जोरों से हवा चल रही थी, जोरों से बरसात हो रहा था और भयंकर ठंड थी, तब भी महाराज श्री का तपस्या चल रहा था। वो वहां से तपस्या से उठे नहीं और घोर तपस्या कर रहे हैं। 557 दिवस की घोर तपस्या श्री महावीर भगवान के बाद श्री आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज जी कर रहे हैं। उनकी तपस्या जो साक्षात हमें देखने मिल रही है, मतलब हम चाहते हैं, और मतलब वो ऐसी जगह साधना हो रही है जहाँ साक्षात पारसनाथ भगवान के दरबार में वहाँ विराजित हैं और वहाँ वो अपनी आराधना करें, तो हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं उनका अपना निष्कृत वर्ग अच्छे से पूरा हो जाए, यही हमारी सबकी भावना है। दर्शकों, ये तो थे अहमदाबाद के विभिन्न मंदिरों के भक्त। अभी आपने देखा कि अंतर्मना की महासाधना महापारणा महाप्रतिष्ठा महामहोत्सव को लेकर गुरु भक्त किस प्रकार उत्साहित हैं। सभी को बस एक ही प्रतीक्षा है कि जल्द ही महोत्सव हो, जिससे कि हम उस स्वर्णिम क्षणों के साक्षी बन सके और गुरुदेव का शुभ आशीष का सौभाग्य प्राप्त कर सके। तो दर्शकों, आज की इस कड़ी में बस इतना ही। अभी दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमान सौभाग्य मल जी, श्रीमती नीलम राजेंद्र भाई कटारिया, श्रीमती रमिला, श्री आरसी गांधी, श्रीमती सुनीता, श्री ऋषभ भाई जैन, श्रीमती टीला, श्री सुनील भाई मेहता, श्रीमती कल्पना, श्री सुधीर भाई पाटनी, श्रीमती मीना, श्री रोशन भाई संघवी, श्रीमती विमला, श्री राजेश भाई शाह, श्रीमती नीतू, श्री अनूप भाई शाह, श्रीमती प्रवीणा, श्री अशोक भाई शाह, श्रीमती शैलजा, श्री डी के जैन, श्रीमती सुमित्रा, श्री बाबू भाई जैन, श्रीमती मीनू,
श्री राजेश भाई जैन, श्रीमती सीमा, श्री विजय भाई जेतावत, श्रीमती सरिता, श्री दिलीप भाई पांड्या, श्रीमान अशोक भाई अंदेश भाई, श्रीमान राधेश्याम जी सरावगी परिवार।